बलिया जनपद के स्थानीय नगर में यहां की प्रखर समाज सेविका अनन्या सिंह द्वारा अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर कोरोना वायरस से जागरूक करने हेतु मास्क व सैनिटाइजर वितरण किया गया। बलिया जिला आजकल कोरोना वायरस कोविड-19 के साथ साथ बाढ़ से भी जूझ रहा है। इस मौके पर अनन्या सिंह ने कहा कि ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पे मंजिल का पता लेकर। धन दौलत संपदा आज विपदा बनकर रह गई, किसी काम की नहीं, ऐसा लग रहा है अब इसकी जरूरत नहीं, किसी भी चीज की हसरत नहीं है, घर से बाहर निकलने की भी फुर्सत नहीं है, लोगों से मिलना मिलाना, हंसना खिलखिलाना तो अब ख्वाब बनकर रह गया। 20वीं सदी 15वीं सदी का आभास दिला रही है, किसी से किसी का मतलब नहीं, सारे नाते रिश्ते धराशायी हो गए हैं, सभी अपनी जिंदगी के व्यवसायी हो गए हैं, जो कुछ भी इस मायावी संसार में है सब बेकार है, यह आज सभी महसूस कर रहे हैं, घरों के भीतर उफ कर रहे हैं। बलिया जिला हर साल बाढ़ की चपेट में आता है, लगभग दर्जनों गांव के गरीब परिवारों में दो वक्त की रोटी मुनासिब नहीं हो रही। अभी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बलिया समीक्षा बैठक कर ही निकल गए, उन्होंने बाढ़ क्षेत्र का जायजा भी नहीं लिया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंजलि सिंह व अदिति सिंह भी मौजूद रहे। बलिया के पिछड़े इलाकों में यह कार्य खास करके किया गया है। Thank you.